हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदिनी और हम बनाने वाले हूँ टेस्टी जीरे वाले आलू। यस फ्रेंड, नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में हम लोग फलाहार खाते हैं, तो उसमें तो आलू हम लोग खाते हैं, तो आलू की अलग अलग चीज़ें बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जीरे वाले आलू बनाऊँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो चलते हैं टेस्टी से आलू बनाने, लेट्स गो। जीरा वाले आलू बनाने के लिए हम लोग लेंगे जीरा, हरी मिर्च, कटे हुए आलू और सेंधा नमक। हम लोग लेंगे जीरा, काली मिर्च पाउडर। सो फिर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसमें हम लोग रख देंगे हमारी कढ़ाई को गर्म होने के लिए। हम लोग की कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम लोग रिफाइंड डाल देंगे। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग डाल देंगे जीरा। जब हम लोग का जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्च। हम लोग का हरी मिर्च भुन चुका है, अब इसमें हम लोग डाल देंगे आलू और फिर इसको हम लोग चला लेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे भुनना है, बीच बीच में चलाते रहना है। आप इसकी जगह बॉयल आलू भी ले सकते हो, लेकिन बॉयल आलू की जगह ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रंची लगते, खाने में कुरकुरे लगते हैं, इसीलिए मैं कच्चे आलू को बना रही हूँ। आप देख सकते हो हम लोग ये टेस्टी आलू भुन चुके हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, सेंधा नमक, क्योंकि मैं व्रत वाले बना रही हूँ तो इसमें मैं सेंधा नमक डालूँगी। हम लोग का टेस्टी जीरा वाला आलू तैयार हो चुका है, इसमें हम लोग थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड, मेरे जीरे वाले आलू तैयार हो चुके हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और इसमें दही डाल के खाएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस पे कमेंट करिएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड।